अखिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये वही अस्पताल जहां पर आज लता दी ने अंतिम सांसें ली। अब ये बताइए कि यहां से आगे कार्यक्रम कैसे होगा, अंतिम संस्कार क्रिया क्या है, कैसे लोगों को पार्थिव शरीर के दर्शन होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने जाते होंगे, जरा इस बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल शुभांकर, अभी जो जानकारी आ रही है कि अभी लता जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान प्रभु कुंज पे ले जाया गया है और वहाँ करीब 1.5-2 घंटे तक ये पार्थिव शरीर रहेगा। जो उनके रिश्तेदार हैं, पूना से आए हुए हैं या फिल्मी सितारे हैं जैसे जावेद अख्तर वहाँ पहुंचे हैं, मधुर भंडारकर पहुंचे हुए हैं, अनुपम खेर पहुंचे हैं, तो ये सभी वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रुके हुए हैं। इसके बाद लता दीदी का पार्थिव शरीर दादर स्थित शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा और जहाँ पर सभी तरह से तैयारियां की जा रही है वहां पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ये शाम के 5:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और वहां पर ये भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, तो 4 बजे के आसपास ये जानकारी मिल रही है। तो अब ये देखना होगा कि उनके निवास स्थान पे ये पार्थिव शरीर पहुंचा है, वहां पर फिल्मी सितारे कौन कौन से फिल्मी सितारे आ रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद शिवाजी मैदान में इसलिए ये चुना गया क्योंकि मैदान काफी बड़ा है, वहां पर ट्रैफिक की समस्या नहीं हो और जो लोग भी जो उनके चाहने वाले हैं वो भी अगर दर्शन करना चाहते तो वो भी दूर से दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कोविड का जो है पूरा पालन करना होगा, उसके साथ यहाँ मास्क लगाना होगा भीड़ को। तो पुलिस ने यहाँ भी जैसे कि अस्पताल के बाहर भी जो भीड़ आई थी उन्हें भी सबको यही कह रहे थे कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।